हमारे यहाँ बड़ी है कड़ाके की बारिश, मौसम जो है ठंडा हो गया है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दो चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी ये धनिया, हम धनिया लेके आ जाते हैं और फिर धुल के रखते हैं या फिर ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट से धनिया लेके आना है और उसको धुलना बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं लगाना है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर में आप रैप करके फोल्ड करके फ्रिज में इस तरीके से रखें और जब भी आप यूज़ करें उसमें से थोड़ा सा निकालें और वॉश करके यूज़ कर लें। दो तीन और पैकेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो एक है मेरे नीम के पत्ते रखे हुए हैं और एक मैंने नींबू रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप रैप करके रखेंगे और ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, अपने लिए ऑयल बना रही हूँ। तो ये ऑयल जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने ली है लोहे की कढ़ाई जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिया है घर का, अपने घर का खुद का बना हुआ ऑयल, मतलब सरसों का तेल। अगर फ्रेश मतलब ओरिजिनल है तो बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और उसके अंदर थोड़ी सी पीस करके कट करके मैंने डाले एलोवेरा और थोड़ी सी मैंने डाले हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा ड्राई किए हुए सुखा के रखे हुए थे वो डाले हैं और अच्छे से पका लें इस तेल को, मतलब दो तीन उबाला जब तक आए उस तब तक उबालें। और फिर उसके बाद आप इसको ठंडा करके फिर छान के आप एक बॉक्स में एक डब्बे में रख लें, कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप ऑयल लगाएं तो इसको यूज़ करें, रात में आप लगाएं, सुबह जो है अपनी हेयर वॉश कर लें तो बहुत ही अच्छा ऑयल है अपने के बालों के लिए। टूटते झड़ते हुए बाल मतलब बहुत लेट से बढ़ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है बालों की सबको ये ठीक कर देता है। कड़ी पत्ता में भी बालों के लिए बहुत ही अच्छे तत्व मिलते हैं और एलोवेरा में भी। तो इस तरीके से मैंने ये तेल बनाया क्योंकि मेरे बाल भी थोड़े से सेकंड बेबी के बाद होने के बाद डैमेज हो गए थे, तो मैंने ये बना के रखा है अपने लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पूरा माइक जो है ना वो ऐसे ऐसे पता नहीं मतलब कैसे इसके अंदर ये पूरा बच्चों ने क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसे निकालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा। काफ़ी देर से मैं इसमें लगी हूँ, फिर मुझे लगा मुझे ऐसे ही आप लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो आज मैं बताती हूँ कि कल लगेगी मुझे वैक्सीन और मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे सिर्फ इंजेक्शन से लग रहा है क्योंकि इंजेक्शन जो होता है ना मुझे उससे बहुत डर लगता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करा चुकी हूँ, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इंजेक्शन का नाम जब आता है ना, कोई ब्लड टेस्ट कराना हो या कोई कुछ भी कि ये कराना है या फिर मतलब सोच के भी डर लगता है, यू नो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब दहशत होती है। और कुछ नहीं, इंजेक्शन से मतलब पेन नहीं होता उतना जितना हमें डर रहता है उस चीज़ का। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। कल मुझे मतलब हमारे घर में मम्मी के बाद सबसे पहली बंदी मैं हूँ जिसको लगेगा पूरे घर में, सेकंड नंबर मेरा है मम्मी के बाद। तो ये मेरे से बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी आपको एक रेसिपी जो मैं आपको शेयर करूँगी वो है बालों के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं तब तक, वो बालों के लिए है। तो मैं आपको जो है अपनी एक फ़ोटो डालूँगी, वैसे वो दोनों फ़ोटो 3 साल पुरानी है, 3 से 4 साल पुरानी है, 1 4 साल पुरानी और 1 3 साल पुरानी है। तो जो 4 साल पुरानी है वो उसमें और 3 साल वाली में मुश्किल से 9-10 महीने का फ़र्क है, लेकिन आप उसमें फ़र्क देख सकते हैं कि जो मैं फर्स्ट पिक दिखाऊंगी उसमें मेरे बाल इतने हैं और जो मेरी सेकंड पिक है मतलब 8-9 महीने के बाद जो है वो उसमें इतने बड़े बाल हैं। तो मैंने कैसे किए थे और मेरे बाल वाकई में बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे, बहुत ही मतलब सुंदर बाल थे, लेकिन सेकंड बेबी के बाद वो सब कुछ चीज़ें नॉर्मल मतलब आना या उस चीज़ों को वापस लाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल हो गया क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये ब्लू और पिंक ड्रेस में जो है वो मैं हूँ और इसमें मेरे बाल देखिए काफ़ी छोटे हैं, आप भी देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं। और ये वाली पिक जो है ये है 9 महीने बाद की उससे, और मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, काफ़ी हैवी हो गए थे, बहुत ही अच्छे हो गए थे इसी ऑयल को यूज़ करने से। प्रॉब्लम ना कि किसी के बाल चले जाना, किसी की स्किन अच्छी ना रहना और मतलब बहुत सारी जो है कमियाँ आ जाती है। और अगर उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस भी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो आपका समझ लो हो गया बेड़ा गर्क। सॉरी मजाक नहीं कर रही मैं, ये सही बात है।
तो मुझे उस समय स्ट्रेस में बहुत रही, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस लिया उस समय, और उसकी बेबी के होने के बाद भी मेरे दिमाग में जो है स्ट्रेस जो मैंने तब लिया वो बहुत ही मतलब गंदे वाला घुस गया। इतना घुसा कि मेरा दिमाग जो है पागल जैसा हो गया और मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसका रीज़न मतलब जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मुझे फिर दो बार मुझे डेंगू हो गया एक साल के अंदर अंदर, और शुगर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। और मेडिसिन भी डॉक्टर कौन सी दे देते हैं, जो पागलों को नहीं देते कि दिन में भी बंदा सोता रहे रात को भी सोता रहे, सेम वैसी वाली हालत हो गई थी। तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन और ये स्ट्रेस वगैरह सब कुछ बहुत बेकार है, मैंने लेके देखा है, मतलब बाल चले जाना, स्किन का कलर चले जाना, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो खुश रहें, जितना हो सके खुश रहें, क्योंकि खुश रहना से ना मतलब खुश रहने से सब लोग बोलते हैं कि आप ये टॉनिक ले लो या ये काढ़ा पी लो जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, या मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको खुश रहना है। आप खुश रहिए, दिल से खुश रहिए, खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए, खूब मज़े कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए लाइफ को। देख लेना, आपको किसी भी मेडिसिन या किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने। एक दुख होता है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना होता है, एक दुखी इंसान होता है और एक खुश इंसान होता है। वो कैसे होता है? दुखी इंसान होता है अपने दुखों को बार बार याद करने वाला, तो अपने जो दुख है उनको याद करेगा। तो अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं अपने बॉडी को होने देनी, अपने घर वालों को नहीं होने देनी है, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको खुश रहना होगा, बहुत खुश रहना होगा। आपको मैं बताती हूँ कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी शॉपिंग हमने कर ली है इस चीज़ में खुश होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से खुश होती हूँ। कई बार छत पर जाइए आप, मतलब या पार्क में जाइए सुबह सुबह के टाइम में, और वहाँ पर जो चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, मतलब इतनी खुशी होती है ना उन चीज़ों को सुन के, इनको महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ से भी खुशी मिल जाती है। मैच्योर कब हो गए यार, क्या करना है मैच्योर होके, क्या करना है बड़े होके? मैं बच्ची ही ठीक हूँ, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मैं उनसे बोलती थी मैं ऐसी ही ठीक हूँ, प्लीज़ मैं खुश हूँ इन चीज़ में, मुझे रहने दो, मुझे बड़ा नहीं बनना है, बाहर के काम नहीं करने हैं मुझे, मुझे बाहर का कुछ नहीं देखना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है, मैं ऐसी ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है छोटे 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 खेल खिलौने के साथ, खेलने के साथ, मतलब खेलने से बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे सबको परेशान करने में। तो मैं, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सबको डरा देती हूँ, भले वो कैसे भी डराना होता है। और आए दिन मम्मी का तो के साथ तो डेली का होता है, मम्मी किचन में होती है, कहीं होती है, कभी इधर पीछे से आगे, कभी इधर ऐसे कर देना तो उधर देखती है, तो मतलब ये चीज़ें मेरी चलती रहती हैं, बीच बीच में कहीं खो जाती हैं लेकिन फिर वापस से ले आती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो गाइस प्लीज़ मेरे लिए जो है दुआ कीजिएगा कि मुझे जो है वैक्सीन थोड़ा धीरे से लगाए वो लोग, अब पता नहीं कैसे लगाएंगे और कितना टाइम लगेगा मुझे और कितना मुझे वेट करना पड़ेगा, तो कल को देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहले लग रहा है तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। प्लीज़ 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 मेरे लिए जो है आप प्रेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा भगवान से कि मुझे पेन ना हो, क्योंकि मैं जब से मतलब वैक्सीन तो लगानी ही लगानी है, तो मैं मम्मी से बार बार यही पूछ रही हूँ मम्मी कितना पेन हुआ, कितना पेन हुआ। पेन तो नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ये है कि दहशत होती है, डर होता है, डर होता है ना किसी चीज़ को सोच के, तो वो मेरे साथ बहुत है।